नमस्कार स्टूडेंट्स, माय नेम इज हनुमंत यादव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुपर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ही ये टॉपिक है, और पर्टिकुलर ये टॉपिक हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए ही इस लेक्चर में हम सिर्फ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में चर्चा करें, ठीक है ना। तो हम बताते हैं, देखिए अगर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात करें हम, तो पहले हम टैक्सोनॉमी के बारे में पहले भी बता चुके हैं, अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं। टैक्सोनॉमी हमने क्या कहा था, टैक्सोनॉमी टर्म टेकन फ्रॉम टैक्सेस विच इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल, अरेंजमेंट बाय रूल। मीन्स बेसिकली इन टैक्सोनॉमी दिस इज द सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। व्हाट इज क्लासिफिकेशन सेकेंड इज दैट नॉमेनक्लेचर। बेसिकली टैक्सोनॉमी दिस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर डील्स विद द स्टडी ऑफ फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज दैट नॉमेनक्लेचर। The category which help in taxonomy means which is a part of classification and nomenclature is known as taxonomical category. What is category? Category is the group of anythings which have some similar character is known as category. जैसे समझ भी category, अब basic सा term है category, आपने सुना होगा category of, suppose की एक example दे रहे हैं, हमने क्या कहा कैटेगरी इज द ग्रुप ऑफ एनी थिंग्स विच हैव सम सिमिलर कैरेक्टर विच शेयर सम कैरेक्टर्स इज नोन एज कैटेगरी। सो हियर फॉर एग्जांपल बेसिकली कैटेगरी ऑफ ड्राई फ्रूट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट हो जाएंगे, उनमें वॉलनट आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, और भी जो है आमंड आ जाएगा, मींस बादाम आ जाएगा उसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ फ्रूट, आप जानते होंगे जनरली ड्राई फ्रूट के बारे में, ठीक है ना। तो दिस इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैटेगरी। आपने जनरली सुना होगा कैटेगरी ऑफ बुक्स आती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी की बुक्स आती है, ठीक है ना, और डिफरेंट क्लासेस की बुक आती है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी का मतलब समझते होंगे आपको, ठीक है ना। वैसे ही सेम द कैटेगरी विच इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मीन्स विच हेल्प इन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। फर्स्ट है यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जस्ट हम यहाँ पर ले लेंगे किंगडम। किंगडम इज अ एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्यों है ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एग्जाम्पल? बेसिकली किंगडम जो टर्म है इसका यूज कैरोलस रेनियस ने किया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पर जो किंगडम है, किंगडम दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव सम सिमिलर कैरेक्टर इज नोन एज किंगडम, सच एज प्लांट किंगडम। व्हाट इज प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कंटेन मेनी सिमिलर कैरेक्टर सच एज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लोरोफिल होगा, लीफ होंगे उनमें, बुड्स होगी उनमें, विच कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, विच एडेप्टेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना, क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट होंगे, बट कहां इसमें इंक्लूड होंगे सारे के सारे प्लांट किंगडम में। दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, समझ रहे हैं ना, सॉरी दिस इज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव सम सिमिलर कैरेक्टर इज नोन एज किंगडम, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द कैटेगरी, सेम एज हो जाएगा हमारा एनिमल किंगडम हो जाएगा, व्हाट इज एनिमल किंगडम हो जाएगा,
ओके, तो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम मोनेरा हो जाएगा, किंगडम फंगाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो किंगडम प्रोटिस्टा हो जाएगा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम, किंगडम इज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और इसे एक्चुअल में लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इन अ किंगडम थाउजेंड ऑफ एनिमल एग्जिस्ट, एक किंगडम में बहुत सारे एनिमल एग्जिस्ट करें, ठीक है ना जनरली, तो बेसिकली बेसिक सी बातें हैं अबाउट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। आफ्टर दिस हम आपको सारी की सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बता देखिएगा, हम इसको पूरा रफ करते हैं। देखिएगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ठीक है ना, तो ये सेवन कैटेगरी है क्लासिफिकेशन के लिए, दिस इज सेवन कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, किंगडम इज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, फाइलम इज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, क्लास इज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, सारी की सारी ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, सेवन है, काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। इनमें एक और होता है जनरली जो इससे भी डोमेन, इसे कहते हैं हम लोग क्या, डोमेन, व्हाट इज कॉल्ड डोमेन कहते हैं हम इसको, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, वही हम देख रहे थे, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इससे भी बड़ा जो होगा उसे कहते हैं ये, व्हाट इज कॉल्ड इज दिस डोमेन कहेंगे हम इसको, ठीक है ना, तो डोमेन किंगडम से भी बड़ा कौन होता है, डोमेन हो जाएगा किंगडम से भी बड़ा, डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम, डोमेन इज द ग्रुप ऑफ किंगडम, बहुत सारे किंगडम को किसी एक डोमेन में रखा जाएगा, इस बात को आप ऐसे समझेंगे जैसे सपोज भी जो पूरा वर्ल्ड है हमारा वो सेवन कंटिनेंट्स में डिवाइड है, सेवन कंटिनेंट्स में डिवाइड है, तो बेसिकली एक कंटिनेंट के अंदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री आते हैं, तो ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं हम, ठीक है ना, और किंगडम बेसिकली पर्टिकुलर हो जाएगा, किसी कंट्री का नाम ले लेंगे, इस तरीके से है, ये बातें सारी की सारी समझ आ रही होंगी, ठीक है ना, तो देखिएगा हमने क्या कहा, डोमेन इज द ग्रुप ऑफ किंगडम, किंगडम इज द ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लास, क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ फैमिली, फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज, नहीं आ रहा है इस सिंपल बात को समझाने के लिए, देखिए ऐसा कहा हमने आप लोगों से, एक बार फिर समझिएगा, आप फाइलम ईच फाइलम कंटेन टू और मोर देन टू क्लासेस, क्या है, ईच फाइलम कंटेन टू और मोर देन टू क्लासेस, इसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्रुप ऑफ क्लासेस इज नोन एज फाइलम, ठीक है ना, तो ये है, अब बेसिकली अब इस बात को आप कैसे समझेंगे, हम इस बात को समझाते हैं, ठीक है ना, देखिएगा एक्चुअल में आप छोटा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये बात हमने क्या ले लिया यहां पर, सपोज भी हमने प्लांट किंगडम ले लिया, प्लांट जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के पास बेसिकली फाइव फाइलम होते हैं, प्लांट फाइलम के लिए प्लांट्स के लिए एक और टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं डिवीजन, व्हाट इज कॉल्ड डिवीजन, दिस इज टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लांट किंगडम। अब फाइव फाइलम कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज दैट एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और फाइव है, दिस इज एंजियोस्पर्म,
एनजीओ। ध्यान करो, अगर आपने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर जो एनजीओ स्पर्म है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट? मीन्स दिस इज अ ग्रोथ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। समझ रहे हैं ना? बेसिकली सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट किसके इंक्लूड आएंगे? देखिएगा, एंजियोस्पर्म टू क्लासेस में डिवाइड है। वन इज मोनो कॉटिलिडन और सेकेंड इज डाइकॉटी। So this is means जिसमें वन कॉटिलेडन है उसे मोनोकॉटिलेडन, जिसमें दो कॉटिलेडन है उसे डाइकॉटिलेडन। कॉटिलेडन हम बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपने ग्राम तो देखा ही होगा। व्हाट इज ग्राम? ग्राम का सीड देखा होगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे इस तरीके से दो कॉटिलेडन होती हैं, बीच में से आप उसको ब्रेक करेंगे। ग्राम बेसिकली कॉमनली कॉल्ड चना, ठीक है ना? तो वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें दो कॉटिलेडन होती है। सेम आपने राइस को देखा होगा, तो राइस में सिंगल कॉटिलेडन होती है। जो सीड होता है वो सीड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन। एट द सेम टाइम विच सीड हैव ओनली वन कॉटिलेडन, दिस इज नॉट मोनोकॉटिलेडन, दिस इज नॉट डाइकॉटिलेडन। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन। व्हाट इज सॉरी, एंजियोस्पर्म इज दी, यहां पर देखिएगा आप लोग, प्लांट क्या है? किंगडम। डिवीजन कितनी है? ठीक है ना? तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इज दी डिवीजन। ओके, क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। अब डिवीजन मीन्स ये क्या है? डिवीजन मीन्स है क्या? ये फाइलम। व्हाट इज फाइलम? क्या है? फाइलम। और जब ये फाइलम है तो फाइलम में ट्यूब ग्लास है। अब मोनोकॉटिलेडन बेसिक सा एग्जाम्पल है। मोनोकॉटिलेडन है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर। अब मोनोकॉटिलेडन में देखिएगा आप लोग, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, हम आपको बताते हैं। एक ऑर्डर होता है बेसिकली कोएल्स। ये कोएल्स जो ऑर्डर है, इसमें आता है राइस, इसमें आता है वीट, डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट आ जाएंगे। राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ग्रासेस, ठीक है ना? तो ये बेसिक सी बात है। और भी कई इसमें ऑर्डर होते हैं मोनोकॉटिलेडन्स में, ठीक है ना? तो ये मोर देन एक, और ये हमने क्या कहा, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होंगे और एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होंगी, एक फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस होंगे और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी। इस बात को हम लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, ठीक है ना? तो दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी? समझ रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें हैं। ये राइस का हो गया है, ठीक है ना? और बेसिक सी बात है, इसको ध्यान में रखना। राइस जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसे कहते हैं पोएसी। क्या कहते हैं? पोएसी। बी टू सी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है ना? और थोड़ा सा जीनस अलग हो जाता है फैमिली। राइस का नाम होता है ओराइजा सेटाइमा। व्हाट इज ओराइजा सेटाइमा? हम लिख दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा हम साफ कर दे जरा अभी, वरना हम यहाँ पे राइस का साइंटिफिक नेम होता है क्या? ओराइजा सेटाइमा। व्हाट इज ओराइजा? ओराइजा क्या है? ओराइजा इज दी जीनस और सेटाइमा इज दी स्पीसी। अगर इसको अच्छे से लिखना है ना, साइंटिफिक नेम को ऐसे लिखते हैं ओराइजा और सेटाइमा। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड कैसा लिखना है? कैपिटल ओ, कैपिटल ओराइजा सेटाइबा। इटैलिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? इटैलिक फॉर्म में। लैटिन ओरिजिन है, लिखना कैसे में? इटैलिक फॉर्म। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। ध्यान रखना, फिर से हमने क्या कहा? ओरिजिन लैटिन, लिखना इटैलिक। इटली इज द कंट्री ऑफ यूरोप, जहां पर लैंग्वेज को थोड़ा तिरछे लिखे जाते हैं सारे वर्ड, तिरछे, तो वैसे ही तिरछे लिखना है। और सेपरेटली अंडरलाइन कैसे करना है? सेपरेटली
ठीक है ना, तो बेसिक सी बात है। हमने क्या कहा, अब किसी का भी क्लासिफिकेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्लासिफिकेशन किसी का भी लिख दे, जैसे सपोज भी हमने राइस का ही ले लिया, राइस का लिखना चाहो तो राइस का लिख दो, बीट का लिखना चाहो तो बीट का लिख दे रहे हैं। चलो देखिए काय का लिखना है एक्चुअल में, बीट का, बीट का लिखना है। चलो बीट का लिख लो, जरा बीट को देख लो। अब बीट किंगडम कौन सा है, अब आप इतना तो बता ही दोगे, जरा किंगडम कौन सा है, प्लांट है, कौन सा किंगडम है भैया, प्लांट किंगडम हो गया है, ठीक है ना। दूसरी बात, किंगडम फाइलम कौन सा है भैया, आप ये भी बता दोगे भैया, फाइलम कौन सा है, जरा बोलो जरा जल्दी से, फाइलम कौन सा हो जाएगा बीट का, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मींस डिवीजन, इसे क्या कहेंगे एक्चुअल में, डिवीजन कह देंगे, क्या कह देंगे, डिवीजन कह देंगे, ओके भैया एंजियोस्पर्म हो गया। क्लास कौन सी है, मोनोकॉटिलेडन, कौन सी है, मोनोकॉटिलेडन। और जरा ठीक है ना, अब बताओ ऑर्डर कौन सा, हमने क्या कहा, कोइल्स कौन सा है, कोइल्स, कोइल्स फैमिली कौन सी है, कोएसी, जहां पर फैमिली में लगा होता है सी, सी ए सी, एल्स 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 मीन्स ऑर्डर, ठीक है ना, इस बात को समझने का, कोएसी। अब फैमिली तक हो गया है, अब जीनस क्या नाम है, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है ना। तो दिस इज द नेम ऑफ जीनस, क्या है, ट्रिटिकम, कैपिटल लिख लो, ट्रिटिकम एस्टिबम। इस तरीके से दिस इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, एक और आपने वर्ड सुना होगा, ये सारी बातें आई होप कि समझ आ गई होंगी, हम इसको जरा टफ कर दें। तो बेसिक सी बात है, अब देखना यहां पर स्टूडेंट्स, जो स्पीसीज है इसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, इसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, मींस देखना, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूस्ड विथ ईच अदर। हमने क्या कहा, स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, ऐसी सिमिलरिटीज होंगी जो और कहीं नहीं होंगी। जैसे सपोज भी हम आपको बताएं, सपोज भी आपको बेसिक सा एग्जांपल दें, हम दे रहे हैं आपको एग्जांपल, पेंथरा लियो, व्हाट इज पेंथरा लियो, देखिएगा। तो बेसिकली हमने एग्जांपल क्या दिया, पेंथरा लियो, देखती है ना, पेंथरा लियो। अब पेंथरा, पेंथरा मीन्स क्या है, इसको एक बार ऐसा लिखो ना, पेंथरा लियो, ओके, पेंथरा लियो, पेंथरा क्या है, जीनस मीन्स क्या है, जेनेरिक नेम, कौन सा, जेनेरिक नेम। और लियो क्या है, स्पीसीज, क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज मींस लाइन, दिस इज द स्पीसीज ऑफ लाइन। अब और भी देखो, एक और नाम सुनो आपको, पेंथरा टाइग्रिस, व्हाट इज पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा जीनस मींस की जेनेरिक नेम, और टाइग्रिस क्या है, अब हमें बताओ क्या टाइग्रिस मतलब क्या, टाइगर, टाइग्रिस मींस टाइगर, लियो मींस लाइन, अब बताओ क्या टाइगर और लाइन रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे विथ ईच अदर, इंटरब्रीड विथ ईच अदर, क्या दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं, दोनों सेक्सुअली इंटरेक्ट हो सकते हैं, नेवर, व्हाई, बिकॉज स्पीसी चेंज हुई, जीनस सेम है, जीनस सेम, सो हम कह सकते हैं कि जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, दिस कंटेन मोर देन वन
बेसिकली ठीक है ना, तो स्पीसीज हैव सिमिलर कैरेक्टर, सारे के सारे लाइन तो एक दूसरे के साथ इंटरमीडिएट हो सकते हैं लेकिन डाइवर्ज। सो दिस इज फंडामेंटल, स्पीसीज हैव फंडामेंटल सिमिलरिटी जो और कहीं नहीं होगी, सिर्फ एक ही स्पीसीज में होगी। हमारा नाम है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अब हम बेसिकली हम जो है तो हमारा होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है बेसिकली, तो वर्ल्ड में सारे के सारे ह्यूमन बीइंग एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस साइंटिफिक है, जो आप लोग कहते हैं रिलीजियन वाइज ऐसे ऐसे वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। सारे के सारे लोगों का साइंटिफिक नेम एक ही होता है, होमोसेपियंस। क्या होता है होमोसेपियंस, तो बेसिक सी बात है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी यहाँ पर फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं, तो ये सारा का सारा। अब देखिएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, द कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, और ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे स्पीसीज में, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे सबसे कम, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जी कौन सा है, जी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, और ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस चीज को हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए एक और नाम सुना होगा आपने, ध्यान से सुनिएगा आपको ये बात सारी, आई होप की ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखिएगा आपको बोला क्या है, यहाँ पर एक और टर्म सुना होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हमने क्या कहा, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इन अ सीक्वेंशियल वे इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, दिस इज असेंडिंग हायरार्की, दिस इज डिसेंडिंग हायरार्की। इस चीज को हमने देखा जब स्पीसीज के जीनस जीनस से दिस इज असेंडिंग और दिस इज डिसेंडिंग, इस बात को हम लोग दिस इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब टैक्सोनॉमी एक और बात सुन लीजिएगा, अब यहां पर टैक्सा, व्हाट इज टैक्सा, टैक्सा इज द बेसिक है, इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन, जल्दी से सुनो, किंगडम इज अ टैक्सा, फाइलम इज अ टैक्सा, क्लास इज अ टैक्सा, ऑर्डर इज द टैक्सा, फैमिली इज द टैक्सा, ईच एंड एवरी कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा। इंसेक्ट इज अ टैक्सा, राइस इज अ टैक्सा, वीट इज अ टैक्सा। तो बेसिक सी बात है, आई होप ये बातें सारी की सारी आपको समझ आई होगी। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात करते हैं, टैक्सा इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और टैक्सोन, टैक्सोन होता है प्लूरल और टैक्सा होता है सिंगुलर। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये सारी की सारी बातें हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ जो है किसी एक कई ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया है, तो आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा वो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बार बार, फिर आपको वो आ जाएगा सारी की सारी बातें। टाइम थोड़ा कम है तो इतना ही बता दे रहे हैं, और वीडियो क्योंकि बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो आप लोगों को पढ़ना है, जो भी डाउट आते हैं तो आप जस्ट कमेंट करिए और कॉल कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो, ठीक है ना, कॉल कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो तो हम क्लियर, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ चीजें हैं, डोमेन हमने बताई दिया है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक और चीज होती है, एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्राइब। क्या कहते हैं, ट्राइब कहते हैं। जब बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं तो उनको हम ट्राइब कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ट्राइब। तो ट्राइब एग्जिस्ट करती है फैमिली और जेनस के बीच में, इस बात को बिलो दी फैमिली एब दी जीनस, तो इस बात को और आप लोग ध्यान रख लेना, और जो भी चीजें हैं वो आप ध्यान रखिएगा, आप कर सकते हैं।